महाविद्यालयों की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो अनुदानित महाविद्यालय थे उनको कम किया गया, वहाँ पर भर्ती रोक दी गई। आज महाराष्ट्र का यदि उदाहरण लेंगे तो यहाँ पर 16,000 महाविद्यालयीन शिक्षकों का पोस्ट खाली पड़ा है। बहुत करने के बाद उसका 40% इलेक्शन नज़दीक आया है, इसलिए जाहिर किए हैं कि हम भर्ती करने देंगे, लेकिन आरक्षण के ऊपर दूसरा आरक्षण, दूसरे आरक्षण के ऊपर तीसरा आरक्षण। इलेक्शन की बात की है आपने, इलेक्शन जब होता है राजनीतिक पार्टियां हों वो एक चुनावी लॉलीपॉप जारी करती हैं, तो इस जो भर्ती की आप बात कर रहे हैं इस महज चुनावी लॉलीपॉप जारी होगा या सच में या जमीनी स्तर पे कार्य भी होगा? ये एक्चुअली देखा जाए तो लॉलीपॉप ही, क्योंकि जो चीज़ यदि विद्यार्थियों के भले के लिए बात होती तो जिस समय बोला गया उसी समय दे दिया गया होता। सिंह साहब, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, फैजाबाद से, महाराष्ट्र में हैं, पूरे देश भर में युवाओं की, छात्रों की बात उठाते हैं। कब आपको लगा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए, छात्रों की, युवाओं की और शिक्षकों की बात करना चाहिए? मैं शुरू से शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा क्षेत्र से। विद्यार्थी लाइफ में मेरा ग्रेजुएशन अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से हुआ, मैं वहाँ छात्र नेता हुआ करता था। यहाँ आया बीके बिरला महाविद्यालय, आज का बीके बिरला, पहले का बिरला महाविद्यालय, वहाँ पर शिक्षक के रूप में लगा। मैं आया था पैसा कमाने के लिए। उस समय शिक्षकों का पगार जो था वो 300-600 की वेतन श्रेणी थी, और प्रशासकीय सेवा में रजिस्ट्रार का एक पद था। मुंबई यूनिवर्सिटी में नहीं था वो पद था पुणे यूनिवर्सिटी में। उसका स्केल जो था वो 400-800, बेसिक में 100 रुपये ज़्यादा मिलना, और प्रिंसिपल के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रार को बड़ी पावर थी। हमने वो शिक्षकीय पैसा बाजू में रख के प्रशासन में आ गया, लेकिन जब देखा कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे तृतीय श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी हो, जिला तो छोड़िए, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ही वेतन मानों में फर्क था। सिंह साहब, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे कि लोग जानते भी हैं, माना भी जाता है, मिथक नहीं सच्चाई है, राजनीति की जो नर्सरी होती है वो स्कूल और कॉलेज की राजनीति होती है, वहाँ से जो छात्र नेता होता है कॉलेज से निकल के जाता है वो देश के पटल की राजनीति करता है, देश भर की राजनीति करता है, कितने CM की बात की जाए, कितने राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं सेंट्रल मिनिस्टर तक, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि छात्र राजनीति से आप हैं युवा थे कि आपको राजनीति में प्रवेश करना चाहिए? मैं राजनीति में हूँ, राजनीति से मैं परे नहीं हूँ। मैं दो विधानसभा, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 2 बार मुझे टिकट दिया कल्याण से। दुर्भाग्य मेरा है कि मैं MLA बन नहीं पाया, 60,000 वोट मिला के भी मैं हार गया। उसको हार में और जीत में नहीं, लेकिन जिस संगठन में मैं काम कर रहा हूँ, जो संगठन मैंने खड़ा किया है, उसमें सभी राजनीतिक दलों का हमको सहयोग लगता है। उसमें जितने कर्मचारी हैं, आज करीब 16.5 लाख कर्मचारी पूरे ऑल इंडिया में इस संगठन में हैं, महाराष्ट्र में 45,000 कर्मचारी हैं, उसमें हर सोच के लोग काम करते हैं। जब हम संगठन में काम करते हैं तो राजनीतिक पार्टी भूल जाते हैं। राजनीतिक पक्ष का मैं बिल्कुल आज भी मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ, उनके सिद्धांतों पे चलता हूँ, लेकिन जहाँ हमारे संगठन का काम आएगा, यदि कांग्रेस हमारे खिलाफ काम किया तो उनका हम विरोध करते हैं। जिस तरह से बात की जाए देश की उच्च शिक्षा की, जो आपने बात की UCG की बात की, UGC उसकी बात की, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा HRD, जो एक सबसे सर्वोच्च और ज़रूरतमंद एक विभाग होता है, उस पर कई मुद्दे उठे, कई सवाल उठे, स्मृति ईरानी जैसे उनको मंत्री बना दिया जाता है, उनकी शिक्षा पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो आप उसे कैसे देखते हैं? देश का जो युवा होता है, देश का जो छात्र होता है, IITian होता है, IIM से जो लड़के होते हैं, जो पढ़ के उत्कृष्ट होते हैं, वो कैसे देखते हैं?